नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केजरीवाल ने गडकरी से मांगी माफी, पटियाला हाउस कोर्ट में केस बंद करने की लगाई अर्जी। पहले भी केजरीवाल मजीठिया से मांग चुके हैं माफी। सचिन पायलट का सरकार पर हमला, राजस्थान में बढ़ रहे हैं लगातार अपराध, गूंगी बहरी हो चुकी है सरकार। संत झूलेलाल का मनाया जन्मोत्सव, शोभा यात्रा में जमकर नाचे समाज के लोग, हॉफ सर्कस पर की गई महाआरती। और हाई टेंशन लाइन टूटने से दो बसें हुई खाक, धौलपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा, जान बचाकर भागे लोग। और अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मानहानि केस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांग ली है। इसके बाद सोमवार को दोनों नेताओं ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि केस बंद करने के लिए अर्जी लगाई। स्वयं केजरीवाल ने अपने माफीनामे में गडकरी पर लगाए आरोपों को आधारहीन बताया। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी, जिसे लेकर केजरीवाल को अपनी ही पार्टी के विधायकों और नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। नितिन गडकरी को लिखे लेटर में केजरीवाल ने कहा कि मेरी ओर से तथ्यों की जांच किए बिना आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मैं निजी तौर पर आपका विरोधी नहीं हूँ, आरोपों को लेकर मुझे खेद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ चल रहा मानहानि का केस वापस ले लिया जाए। गौरतलब है कि केजरीवाल 19 जनवरी को केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले थे। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में समझौता हो सकता है। इसी दिन उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ भी भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए थे। आपका आरोप था कि जेटली ने 13 साल तक दिल्ली की क्रिकेट बोर्ड DDCA प्रेसिडेंट रहते हुए घोटाला किया था। कई दिनों तक आप नेताओं ने जेटली के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया। इसके बाद वित्त मंत्री ने केजरीवाल समेत आपके 5 नेताओं पर सिविल और आपराधिक मानहानि के अलग अलग 2 केस फाइल किए और 10-10 करोड़ के मुआवजे की मांग की। हाई कोर्ट में केजरीवाल की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी केस छोड़ चुके हैं। उन्होंने भी केजरी को सलाह दी थी कि वो अरुण जेटली से माफी मांगे। यह पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने आरोपों को लेकर किसी नेता से माफी मांगी हो। पिछले दिनों अकाली नेता विक्रम मजीठिया से भी केजरीवाल ने ड्रग कारोबार के आरोपों को लेकर माफी मांगी थी। इससे पहले अगस्त 2017 में भी उन्होंने हरियाणा के बीजेपी नेता अवतार सिंह भड़ाना को माफीनामा भेजा था। 2014 की एक रैली में केजरीवाल ने भड़ाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस फाइल कर दिया था। अब एक बार फिर केजरीवाल ने गडकरी से माफी मांगकर अपने खिलाफ चल रहा एक और मानहानि का केस खत्म करवा दिया है। करौली में उपनेता प्रतिपक्ष और सपोर्टर विधायक रमेश मीणा का कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा धरना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने समाप्त करवा दिया। यह धरना 25 दिनों से चल रहा था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, किसी की सुनने वाली नहीं। हमारे विधायक 25 दिनों से यहाँ पर जन समस्याओं को लेकर धरने पर हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन का कोई अधिकारी और सरकार ने उनकी नहीं सुनी। इस पर सचिन पायलट ने विधायक रमेश मीणा को धरना समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि 6 माह बाद कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जब आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। पायलट ने इस दौरान अपराध ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। रमेश जी, 25 दिन तक आपका यह आंदोलन चला, पूरे जिले पूरे प्रदेश ने इस बात को देखा और जनता के जहन में विश्वास पैदा हुआ है कि हम लोग मिलकर इस जिले में न्याय दिलवाएंगे। हो सकता है 6 महीने के बाद में जब सरकार हमारी बनेगी, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी आपको आश्वासन देती है। इस जिले में जो हालात बने हुए हैं, पूरे राजस्थान के लोग आज परेशान हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा हमारा नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, राजनाथ सिंह जी मंत्री है, गृह मंत्री, उनके आंकड़े बोलते हैं कि पूरे देश में जितने अत्याचार, उत्पीड़न,
मार पिटाई और अन्याय दलितों के साथ होता है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें सारे राज्यों में राजस्थान का स्थान दूसरे नंबर पर। वहीं पायलट ने आरोप लगाया कि आम जन परेशान है और सरकार का पूरा सिस्टम पैसे कमाने में लगा हुआ है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। संत झूलेलाल के जन्मोत्सव पर मनाए जा रहे चेटीचंड महोत्सव के तहत सिंधी धर्मशाला दाऊदपुर से शोभा यात्रा निकाली गई। सभापति अशोक खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से निकली। इस दौरान जगह जगह समाज द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। पंडित धर्मवीर शर्मा ने भगवान झूलेलाल की आरती उतारी। इस मौके पर सिंधी समाज के महिला और पुरुष ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए गाते हुए शोभा यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। वहीं डॉक्टर मोहनलाल सिंधी भी इस दौरान थिरकते हुए नजर आए। काफी लोगों में उत्साह है, बहुत ही भीड़ है, काफी लोग प्रसादी पा रहे हैं। अब जुलूस निकल रहा है, यह जुलूस दाऊदपुर फाटक से होता हुआ स्कीम नंबर 2 भगत सिंह चौराया काशीराम चौराया यहाँ से होता हुआ होप सर्कस पहुंचेगा। होप सर्कस में महा आरती का आयोजन है। महा आरती पंडित धर्मवीर शर्मा जी के द्वारा की जाएगी और भास्कर के संपादक राजेश रवि जी मौजूद रहेंगे। उसके बाद यह शोभा यात्रा यहाँ से निकलकर अशोका टाकिज और गोपाल टाकिज होते हुए कंपनी बाग के सामने पहुँचेगी। कंपनी बाग के सामने इसका विसर्जन होगा। उसके बाद रात्रि में सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। धौलपुर में आज सवेरे उस समय भगदड़ मच गई जब पेट्रोल पंप पर खड़ी 2 बसों में हाई टेंशन लाइन गिरने से आग लग गई। आग लगने के कारण बसें पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन पेट्रोल पंप नजदीक होने के चलते आग को बुझाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। बाद में दमकल मौके पर पहुंची और आग को आधे घंटे में काबू पा लिया गया। आग की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि पेट्रोल पंप के ऊपर से हाई टेंशन लाइनें जा रही हैं, जिसके अचानक टूट जाने से लाइन बसों के ऊपर जा गिरी, जिसमें बसों में भयंकर रूप से आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में पेट्रोल पंप सुरक्षित बच गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। अलवर जिले के नारायणपुर में अज्ञात बदमाश SBI का ATM ही उखाड़ कर भाग निकले। लूटे गए इस ATM में करीब 12 लाख रुपए थे। ATM लूटने की वारदात का पता चलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले में CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। अलवर पुलिस ने इस वारदात में किसी प्रोफेशनल गैंग का हाथ होने की संभावना जताई है। जानकारी के अनुसार यह वारदात नारायणपुर थाना इलाके में अजबपुरा गांव की है। यहां बस स्टैंड के पास SBI का ATM लगा हुआ है। करीब रात्रि 1 बजे CCTV पर गीली मिट्टी का लेप लगाकर उसे ढक दिया गया। बदमाशों ने चेहरे को भी कपड़े से ढका हुआ था। इसके बाद ATM में तोड़फोड़ की गई और उसे उखाड़ कर ले भागे। सूचना मिलने पर उपाधीक्षक सांवरलाल नागौरा, नारायणपुर थाना प्रभारी संजय शर्मा और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के आसपास का मौका मुआयना किया गया, जहां पुलिस को टायरों के निशान और बियर की खाली बोतलें मिली हैं। घटनास्थल से करीब 150 मीटर तक ATM को घसीटने के निशान भी पाए गए। बदमाश कोई चौपहिया वाहन लेकर आए थे, संभवतः इसी वाहन से ATM को घसीटा गया होगा। पुलिस का मानना है कि लूट से पहले बदमाशों ने शराब पी थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में स्पेशल टीमें गठित कर दी गई हैं। इस ATM में करीब 12 लाख रुपए बताए गए हैं। बदमाशों की तलाश के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इनरव्हील क्लब की ओर से चरणजी लाल जी की धर्मशाला में नखराली गणगौर के साथ साथ नव संवत और नवरात्रि स्थापना के इस पावन त्यौहार को मनाया गया।
में क्लब की अध्यक्ष शिल्पा अग्रवाल ने बताया कि क्लब के उद्देश्य सेवा और मित्रता के द्वारा सभी को जोड़ना है, साथ ही छोटी छोटी खुशियां बांटने से वो बढ़ती है। हम सभी त्योहारों को साथ साथ मनाते हुए खुशियों को दोगुना करते हैं। त्योहारों का महत्व और भारतीय सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान क्लब की उपाध्यक्ष अनुपमा शर्मा ने बताया कि इन त्योहारों पर हमने भारत माता दुर्गा माता गौरी ईसर जी का पूजन कर नृत्य और संगीत का कार्यक्रम भी रखा और इसमें प्रश्नोत्तरी खेल आदि का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। हम लोगों ने यहाँ पर गणगौर सेलिब्रेशन किया, नखराली गणगौर अभियान के तहत हम लोग यहाँ गणगौर वगैरह मनाते हैं। क्लब का एक ही उद्देश्य है सेवा और मित्रता, उसी में हम सारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हमारी खुशियाँ आगे बढ़ती है। भारतीय परंपरा के अनुसार महिलाएं हर त्यौहार में बढ़ चढ़ कर जैसे हिस्सा लेती हैं, अपनी परंपराओं को गौरवान्वित करते हुए हम सभी महिलाएं यहाँ इसीलिए एकत्रित हुई हैं ताकि हम अपनी परंपराओं को उसी रूप से आगे बढ़ा सकें और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दे सकें कि हम अपने त्यौहार और परंपराओं को संजो कर कैसे आगे ले सकें। आज हमारे लिए तीन अवसर हैं ऐसे खुशी मनाने के, जिसमें गणगौर भी हमने आज मनाया और नव संवत भी, और साथ ही साथ आज नवरात्र स्थापना हुई तो माता के सभी रूपों को नमन करते हुए हमने सभी के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी महिलाओं और बच्चों के साथ, जिसमें उन्हें पुरस्कृत किया गया, विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। लुपिन कम्युनिटी दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वयं रोजगार विकास कार्यक्रम का आयोजन माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधि द्वारा किया गया। यह आयोजन मयूर होटल में किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ अंश दीम और अध्यक्षता कर रहे थे पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक सुकमल जैन थे। वहीं संस्था के प्रतिनिधि वेद प्रकाश ने बताया कि 245 बीपीएल परिवारों को स्वयं रोजगार के लिए जोड़ा जाएगा। आज लुपिन का कम्युनिटी डे प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत आज विभिन्न जिले के अंदर ग्रामीण विकास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज लुपिन का 50 साल पूरे होने पर ये कम्युनिटी डे आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया था। इसके तहत आज जैसे अलवर के अंदर मयूर होटल में करीब 245 बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ में राजगढ़ में आज महिलाओं के लिए उनकी गोद भराई, उनके पोषण और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक मूक बधिर छात्रावास के लिए आज संस्था द्वारा वाटर कूलर का उपलब्ध कराया जा रहा है। जो अलवर का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय जिला परिषद के सीईओ साहब अंशदीप जी और अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल हेड सम्मानीय सुकमल जैन साहब हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका विकास के साधन है और सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें, उनको ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि उनका परिवार है वो खुशहाल रहे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बच्चों को रोजगार मिले। जो हमारी ग्रामीण महिलाएं, उनको हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिनको आज लाभान्वित किया जा रहा है, उनको भी कई तरह के कार्यक्रमों से रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में आदर्श विद्या मंदिर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लक्ष्मणगढ़ के द्वारा कस्बे में भगवा रैली निकाली गई। रैली को जिला सामाजिक समरसता प्रमुख दिनेश पाठक ने संबोधित किया। खंड कार्यवाह कैलाश चंद शर्मा और चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि दोपहिया रैली प्रातः 10 बजे कस्बे के केशव चौक स्थित आदर्श विद्या मंदिर से शुरू की गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों और बाजारों से होते हुए बस स्टैंड सहित पूरे कस्बे में निकाली गई। इस अवसर पर स्वयंसेवकों द्वारा रैली में शामिल और रास्ते में मिलने वाले आम जन को रोली चंदन के टीका लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। रैली में देशभक्ति के गीतों की धुन पर कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी मनाते हुए नजर आए, साथ ही आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल ने गडकरी से मांगी माफी, पटियाला हाउस कोर्ट में केस बंद करने की लगाई अर्जी, पहले भी केजरीवाल मजीठिया से मांग चुके हैं माफी।
सचिन पायलट का सरकार पर हमला, राजस्थान में बढ़ रहे हैं लगातार अपराध, गूंगी बहरी हो चुकी है सरकार। संत झूलेलाल का मनाया जन्मोत्सव, शोभा यात्रा में जमकर नाचे समाज के लोग, हॉप सर्कस पर की गई महाआरती। और हाई टेंशन लाइन टूटने से दो बसें हुई खाक, धौलपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा, जान बचाकर भागे लोग। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।